नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के जिला अस्पताल परिसर के स्टोर रूम में लगी आग। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जी हां, बता दें, बिजली शॉर्ट सर्किट होने की वजह बताई जा रही है। हालांकि आग से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें आपको, ये मामला थाना उत्तर के जिला अस्पताल परिसर का है, जहां जिला अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर अस्पताल प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की कर्मचारी आग बुझाने के लिए दौड़े और मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग को बेकाबू होने से पहले ही बुझा दिया। घटना की पीछे बिजली का शॉर्ट सर्किट होना कारण बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि आग से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। रोड चल रही है, रोड मट्टी लाओ यार। मट्टी कहाँ यहाँ पर? सूचना पर आए थे, किस तरीके का सूचना दी गई थी, क्या मामला रहा? ये जिला चिकित्सालय का जो ओपीडी वार्ड है उसके पीछे एक स्टोर रूम है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने से जो है कबाड़ा वगैरह भरा था, उसमें आग चल गई और ज़्यादा नहीं फैली और तुरंत बुझा दी गई। क्या कोई नुकसान वगैरह भी हुआ? कोई विशेष नुकसान नहीं है, बट एहतियात के तौर पर अभी चेक किया जा रहा कहाँ से क्यों हुआ ये शॉर्ट सर्किट, और इनको आवश्यक एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और बाकी जो कमी है उसको नोटिस देकर इसको ठीक कराया जाएगा। धन्यवाद।